नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल रितु रिंकूस किचन एंड ब्लॉग पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोग अच्छे होंगे यही आशा करती हूँ। आज हमारे घर में एक और एक फेस्टिवल है जिसकी मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। फेस्टिवल का नाम है प्रथमाष्टमी, जो कि एक ओडिया फेस्टिवल है और हर घर में सेलिब्रेट होता है मार्गशीर का जो कृष्ण अष्टमी होता है उस दिन। और ये फेस्टिवल था 23 नवंबर को, पर इसका जो प्रिपरेशन है एक दिन आगे पहले करना पड़ता है। इसमें एक स्पेसिफिक पीठा बनता है, तो उसके लिए मैंने 22 नवंबर की सुबह ही बिरी दाल और चावल को मिला के भिगो दिया था। रात को लगभग 11:30 के आसपास इसको मैं ग्राइंडिंग करके, अभी नमक मैंने नहीं डाला है, बस ग्राइंडिंग करके थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडिंग करके मैं किचन में ऐसे ही ढक के इसको छोड़ दूँगी। सर्दी का टाइम है तो ख़राब भी नहीं होगा, और सुबह क्योंकि सुबह ही पूजा होगा तो सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो ये देखिए, अगले दिन सुबह मेरा बैटर कुछ ऐसे दिख रहा था, अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अभी इसमें मैं नमक और जितना ज़रूरत है उतना पानी मिला के इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, और बाकी का काम पहले करूँगी, उसके बाद इसका पीठा मैं बनाऊँगी। इस पीठा का नाम एंडूरी पीठा है और ये प्रथमाष्टमी में हर उड़िया घर में बनता है। इस पीठा में एक पत्ते का यूज़ होता है जिसका नाम है हल्दी पत्ता, टर्मरिक लीफ, या वेस्ट बंगाल में इसको हलूद पत्ता कहते हैं। उस पत्ते से ये पीठा बन के तैयार होता है और माँ लक्ष्मी को ये भोग लगाया जाता है। तो अभी मैं पूजा की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो पीठा बनेगा उसका फिलिंग का तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कद्दूकस करके नारियल। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई इलायची और चीनी। इन सबको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा कलर चेंज होने तक। घर का जो बड़ा बच्चा होता है, पहला बच्चा, उसका इस दिन पूजा किया जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की। तो उस दिन नया कपड़ा पहना के उनको बिठा के उनकी पूजा की जाती है। तो इसमें खीर भी पूजा होता है, तो सुबह का टाइम है, थोड़ा जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में खीर भी बिठा दिया है। और अभी जो फिलिंग है भी तैयार है। ये देखिए, इसको कहते हैं हलूद पत्ता यानी टर्मरिक लीव। ये लंबा लंबा होता है, मैंने काट लिया है, काटने से पहले सूट नहीं कर पाई, काट के अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। तो अभी देखिए मैं कैसे पीठा बनाती हूँ। थोड़ा सा बैटर को इसके ऊपर ऐसे लेके उसको स्प्रेड करना है, इसलिए बैटर को थोड़ा हार्ड ही रखना है, ज़्यादा लिक्विड करने से वो बह जाएगा चारों तरफ से। तो इस तरह से स्प्रेड करके उसके अंदर जो नारियल का फीलिंग बनाया है उसको ऐसे रखते हैं, और ऐसे फोल्ड करके उसको बॉयल करना पड़ेगा। इसको आप इडली भी कह सकते हैं, बस इसमें स्टफिंग दिया हुआ है और ये पत्ते के अंदर रख के इसको बनाया जाता है, डिफरेंस उतना ही है। उड़ीसा में इसको हल्दी पत्र एंडूरी पीठा कहा जाता है और ये प्रथमाष्टमी के दिन हर घर में बनता है। ये जब बन रहा होता है ना, तब इतना खुशबू आता है, ये जो टर्मरिक लीव होता है इसका इतना खुशबू आता है, पूरा घर महक जाता है, जैसे कोई परफ्यूम डाला हुआ है घर में, उतना महक जाता है। तो ऐसे ही जहाँ जिसमें इडली बनता है उसी में इसको ऐसे ही रख के ढक देना है, और 15-20 मिनट में ये बन जाएगा। फिर निकाल के, इस पत्ते को निकाल के इसको खाना पड़ता है, पर जो पत्ते का जो खुशबू होता है वो पीठा में रह जाता है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये पीठा बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि टर्मरिक लीव में बना होता है और खाली बॉयल करके ही बनता है, तो काफ़ी हेल्दी पीठा भी है ये। तो ये देखिए मेरा सारा पीठा बन चुका है। Thank you.
राधारमण हरे हरे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।